अगर आप हेयर पैच यूज़ करते हैं और अब घर पे ही आप सर्विसिंग करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, पूरी वीडियो देखें आप, ताकि आपको पता चले कि घर पे सर्विसिंग कैसे करनी है। और अगर आप सैलून से रिलेटेड आप हेयर पैच की काम करते हैं, तो सर्विसिंग कैसे की जाती है ताकि क्लाइंट का जो स्किन बेस हो अच्छा नॉर्मल बनी रहे, उस पर आपको कैसी काम करनी है, या आज मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी क्लाइंट आते हैं तो उनका पैच को निकाला जाता है। तो इनका पैच को निकालने का मैं तरीका सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पीछे साइड का जो पोर्शन होता है इसे हम लोग निकालते हैं पीछे से। कभी भी पैच आगे से या तो फिर साइड से नहीं निकाला जाता, पैच को हमेशा बैक साइड से ही निकाला जाता है ना। तो बैक साइड से हम सब निकालते हैं पहले। चलो शुरू करो, वीडियो निकालना शुरू कराते हैं हम। क्लिपर के सहारे से निकालेंगे तो क्या होगा, क्लाइंट को चोट नहीं लगेगा, उनका काफ़ी लूज भी हो चुका था। जब भी हेयर पैच आप 15 दिन बाद या 1 महीने बाद निकालते हो ना, तो इस ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मैंने इसे अभी हल्का सा ऑयल देकर इसे साफ भी किया है। तो जब भी आप पैच निकालें ना, तो ऑयल देकर इस पे हेड पे क्या है मसाज देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, स्किन में मॉइस्चर आएगा और जो भी क्या बोलते हैं जो गंदे वगैरह होते हैं ना, काफ़ी फूल जाकर और निकल जाते हैं अच्छे तरीके से, और इसका स्किन भी अच्छा बेस में बन जाता है फिर से, तो स्किन रिलैक्स भी काफ़ी हो जाता है। तो ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है जब आप सर्विसिंग करते हो, या तो आप कहीं भी करवाते हो आप, तो ऑयलिंग मसाज करने को ज़रूर कहो आप, है ना। चलिए अब दूसरा स्टेप मैं समझाता हूँ कि किससे साफ़ करनी है। चलो इसे साफ़ करके दिखाओ हमारी व्यूअर्स को कि कैसे ऑयल डालनी है। ये कोकोनट ऑयल के यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। आप अगर कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि कोकोनट ऑयल यूज़ करें आप। और कभी भी आप ना नेल यूज़ नहीं करें। आप जब सर्विसिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके फिंगर में ना नेल बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त स्किन काफ़ी सेंसिटिव होता है, और अगर आपका नेल अगर लगेगा ना स्किन में तो कटने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो इस तरीके से साफ करना होता है। आप इसे कॉटन से, या तो आपके पास फेशियल टिश्यू है, कोई भी सॉफ्ट चीज़ हो उसे आप यूज़ करें, साफ करने में तो ज़्यादा बेहतर है। इसके जगह पे ना आप C22 यूज़ करना होता है। C22 जब आप यूज़ करेंगे ना, तो क्या होगा कि इनका हेयर स्किन पे जो भी लगे हुए होते हैं, डस्ट लगे होते हैं, या तो डैंड्रफ की जो लेयर बनी हुई होती है, ये सब सारे निकल जाते हैं। तो C22 यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। मैं यूज़ करके अब दिखाऊँगा, C22 से मैं साफ़ करूँगा। अब पहले स्प्रे करेंगे, हल्का हल्का पूरे हेड पे स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद में क्या करना है, किसी कॉटन से या तो फिर आपके पास फेशियल टिश्यू होगा उससे आपको इसे साफ़ कर देनी है। क्या होगा कि जो भी डस्ट लगे होंगे ना, जो भी गंदगी होंगे, पूरे के पूरे क्लीन हो जाएंगे और पूरे साफ़ हो जाएंगे। और क्या होता है कि इससे स्किन में जो अफेक्टेड जो भी होने वाले चीज़ होते हैं ना, वो सब मामला टल जाता है ना। तो जब भी आप सर्विसिंग कर रहे हों या करा रहे हों, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। खासकर मैं लोगों से कहा भी करता हूँ कि आप हेयर पैच जब आप करवाएं तो फिक्सिंग सिस्टम में ना जाकर आप टेपिंग सिस्टम, या तो क्लिपिंग सिस्टम में रहते हैं तो ज़्यादा सेफ माना जाता है। लेकिन आप अगर फिक्सिंग सिस्टम पर ही जाना चाहते हो, तो इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है ना। तो ये काफ़ी देख सकते हो आप, पूरे तरीके से लगभग साफ़ हो चुके हैं तरीके से। इधर पे साफ किया जा रहा है, ये पैच को साफ करना होता है। अच्छे तरीके से अब पैच को जब भी आप साफ करें ना, तो जिस तरीके से कपड़े को मलते हैं इस तरीके से ना मलें। इन बातों का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करें, ताकि आपके पैच क्योंकि महंगे होते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। इस तरीके से साफ़ करने से क्या होता है कि पैच पे कोई अफेक्टेड नहीं आता है ना, और आपके पैच की जो लॉन्गजिविटी होती है वो अच्छी खासी बनी हुई होती है। इसके बाद हम लोग हेयर को रिमूव करेंगे। अब जितने जब हेयर को रिमूव किया जा रहा है, तो हल्का हल्का सा स्किन से एक लेयर निकल रहा है जो डैंड्रफ की तरह है ना। तो ये ऐसा होता है ना कि 1 महीने जब पूरा स्किन बेस में हवा या पॉल्यूशन थोड़ा सा डस्ट वगैरह जमा हो जाता है ना, हवा नहीं लगने के कारण पूरी तरीके से, तो ऐसे लेयर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑयल मसाज देनी बहुत ज़रूरी है। ऑयल मसाज जितने अच्छे देंगे उतना बेहतर रहेगा स्किन के लिए। मैं
मैं इस वीडियो में बस आपको सर्विसिंग के रिलेटेड ही बताने वाला हूँ, मैं चेहरे का आपको इमेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं व्यूवर्स भाई, तो उनका मना है कि चेहरे को ना दिखाया जाए, इसलिए मैं चेहरा उनकी बातों को भी मेरे को ध्यान में रखना होगा। तो आप जस्ट सर्विसिंग के ही स्टेप में बताना चाह रहा था, तो मैं आप सर्विसिंग के स्टेप ही मैं इसमें दिखाऊंगा और बिफ़ोर एंड आफ्टर इसमें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इनकी इज्जत के भी मुझे ख्याल रखनी होगी। भी आप शैम्पू या तो कंडीशनिंग करेंगे पैच में, तो आपको इस तरीके से बॉल में, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है और आपको लोगों को बताया है कि पैच में जब शैम्पू करेंगे तो शैम्पू बॉल में डालकर पानी में मेल्ट कर लेना है और इसमें पैच को डाल देना है। पैच में पैच को डालकर आप थोड़ी देर आपको छोड़ देनी है शैम्पू में, 2 मिनट आप छोड़ देते हो आप अगर, तो उसके जो भी डस्ट वगैरह हैं वो साफ़ हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से आपको करनी है, छोड़ देनी है, बस 2 मिनट छोड़नी है शैम्पू में। उसके बाद में आप C22 लेकर थोड़ी सी और इसे मल्टीफाई करनी है, कर करके उसे पानी से अच्छे तरीके से रिंस करनी है। उसके बाद में कंडीशनर से सेम प्रोसेस में जिस तरीके से शैम्पू को किया गया है उसी तरीके से कंडीशनिंग को भी करनी है, ताकि वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए पैच, इसकी वजह से ही कंडीशनिंग किया जाता है। ये हमारा ब्रांच है शमीम हेयर विग एक्सपर्ट का, आप हमारे ब्रांच की भी देख सकते हो आप जो बनाए हुए, ये कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये भी ज़रूर कमेंट करना भाई। यहाँ पे हेयर पैच लगाया जाता है, आपको यहाँ पे हर एक ब्रांड का पैच मिल जाता है। फिर अच्छे तरीके से शैम्पू करना होता है स्कैल्प का, अच्छे से शैम्पू कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे से शैम्पू किया जा रहा है ताकि स्किन अच्छे तरीके से पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद में क्या होगा स्टेप मैं आपको बताऊँगा। अगर पैच लगाना है तो हमारे ब्रांच पे आप आ सकते हैं, आप देख सकते हो कि हमारे पास कितने स्टॉक होते हैं। आपको अगर होलसेल पे चाहिए या रिटेल पे चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और एक ख़ास बात आप व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि हमारे ब्रांच पे बहुत जल्द हमारे कंपनी का एकेडमी ओपन होने वाली है सिखाने को लेकर, तो आप में से कोई भी बंदा अगर सीखना चाहता है हेयर पैच के रिलेटेड, हेयर पैच, हेयर एक्सटेंशन, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते और पूरी जानकारी ले सकते कि कब हमारी बैच शुरू होने वाली है। तो ये बहुत ही ख़ास बात है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छा मौका है आप एक अच्छे नया काम सीखकर आप अपनी बिजनेस को ग्रो करने का, है ना। आप अपनी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं वो भी पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। आप पैच की जो भी जानकारियां चाहेंगे आपको दिया जाएगा। तो हमारे एकेडमी पे ये सब सारे काम शुरू होने वाले हैं, बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो आप अगर चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना तो उसके डिटेल्स के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। और आप अगर हेयर पैच लगाना चाहते हैं तो हमारे ब्रांच पे आप ज़रूर विजिट करें। आप जैसे देख सकते हो आप इनका स्किन अब लगभग पूरी की तरीके से एकदम साफ़ हो चुके हैं ना। तो ये है साफ़ करने का तरीका, क्योंकि स्किन को साफ़ करना बेहद ज़रूरी है और कोशिश होनी चाहिए कि आपको सर्विसिंग ना 1 महीने से पहले ले लेना बेहतर होता है, क्योंकि आप अगर जितने बहुत ज़्यादा दिन करेंगे ना तो स्किन में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखनी बेहद ज़रूरी है। हाँ, इसके बाद में जो स्टेप होता है ना वो होता है स्कैल्प प्रोटेक्टर का। स्कैल्प प्रोटेक्टर लगाना बेहद ज़रूरी होता है जब आप पैच दोबारा लगाने को जाते हैं, फिक्स करने जाते हैं। तो उससे पहले क्या है ना कि आप स्कैल्प प्रोटेक्टर ज़रूर लगा दें। मैं स्कैल्प प्रोटेक्टर आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसा होता है। ये देखो आप, ये स्कैल्प प्रोटेक्टर है जो आपको लगाना बेहद ज़रूरी है। इससे इसका फ़ायदा ये होता है ना कि आप की स्किन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगी और इचिंग प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होने देगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप हमारे ब्रांच पे आना चाहते हैं तो वेलकम, आप ज़रूर आएँ और ज़रूर आएँ। मैं आपका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर स्टाइल करने वाला हूँ। आप सबों को अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या हेयर पैच लगाना चाहते हैं